तो SSLV का जब फेलियर हुआ, हमने फोर्थ स्टेज को ब्लेम कर दिया और उसके कोड लॉजिक को ब्लेम करके मामला खत्म कर दिया था। पर अभी इसरो ने एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन पब्लिश किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और उससे पता चलता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ सेकेंड स्टेज से ही। ये कहानी काफी खूबसूरत और काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करते याद कर लेते उस दिन हुआ क्या था। 7 अगस्त का दिन था 2022, करीब 6 महीने पहले SSLV का पहला लॉन्च था ये, यानी D1 यानी डेवलपमेंट फ्लाइट 1। लॉन्च के टाइम सब सही जा रहा था, ऐसा दिख तो रहा था, ग्राफ्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था हमें, पर लोगों के फेस पे टेंशन नहीं था। फिर वो मोमेंट आया जब थर्ड स्टेज सेपरेट होना था, पर वो काफी टाइम साइलेंस, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर हमें ऑन स्क्रीन दिखा कि थर्ड स्टेज सेपरेट हो गया, फिर हम सब वेट कर रहे कि फोर्थ स्टेज जब चालू होगा फायर करेगा, पर वो हुआ ही नहीं। इनफैक्ट उसने वैसे ही सैटेलाइट सेपरेट कर दी। अब सब कंफ्यूज कि हुआ क्या, फिर पता चला कि सैटेलाइट को कुछ 100 किलोमीटर लोअर डाल के सेपरेट कर दिया। इसके वजह से हुआ क्या, सैटेलाइट री एंटर कर दिया एटमोसफेयर में और डिस्ट्रॉय हो गई। तो अभी SSLV D2 होने वाला है, यानी डेवलपमेंट फ्लाइट 2, और इसके चलते इसरो ने FAC रिपोर्ट यानी फेलियर एनालिसिस कमिटी की रिपोर्ट की समरी डाल दी वेबसाइट के ऊपर। मेनली ये दो चीजें इसमें, एक और कॉज की हुआ क्या और सोल्यूशन कैसे फिक्स किया। सबसे पहले हम कॉज समझते हैं। देखो SSLV की 4 मेन स्टेजेस हैं। पहले 3 स्टेजेस सॉलिड रॉकेट्स है, मतलब सॉलिड फ्यूल है, इसे हम थ्रॉटल वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक बार चालू हो गए तो चलते रहेंगे। लास्ट स्टेज जो है वो है लिक्विड स्टेज, ऑल्दो इसरो इसे स्टेज नहीं कहते, इसरो इसे कहते हैं VTM यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। बेसिकली आप समझो कि फर्स्ट 3 स्टेजेस हैवी लिफ्टिंग करेंगे और इसे ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। फोर्थ स्टेज का काम है अपने लो थ्रस्ट और लिक्विड इंजन इस्तेमाल करके प्रिसाइसली इंजेक्ट करना है सैटेलाइट्स को इंटेंडेड ऑर्बिट में। फोर्थ स्टेज में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्थ स्टेज में अगर आप फोटो देखो तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, नेविगेशन सिस्टम सब फोर्थ स्टेज में पड़े। इसे EB यानी इक्विपमेंट बे भी कहते हैं। भी प्रॉब्लम शुरू हुआ सेकेंड स्टेज के सेपरेशन के साथ। इसरो ने नोटिस किया कि इस सेपरेशन इवेंट के टाइम बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हुए। अब ऐसा नहीं है कि रॉकेट के लॉन्च के टाइम वाइब्रेशंस नहीं होते, हर रॉकेट में वाइब्रेशंस इतने होते हैं कि हर सैटेलाइट का वाइब्रेशन टेस्ट करना पड़ता है, होता है रॉकेट के ऊपर डालने से पहले, और हर चीज डैम्प्ड होती है, मतलब अंदर डैम्पिंग होता है वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए। पर इसमें इतना ज्यादा था कि इसकी जो नेविगेशन सिस्टम है उसको सैचुरेट कर दिया, मतलब वो गलत वैल्यूज थ्रो करने लगा। अभी ये जो नेविगेशन सिस्टम है हम इसे कहते हैं INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। बेसिकली INS काफी कूल सिस्टम है और आप एक बार जान लोगे तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। INS में होते एक्सेलेरोमीटर्स और जायरोस्कोप। एक्सेलेरोमीटर जो है वो आपका एक्सेलरेशन मेजर करता है किसी भी टाइम पॉइंट पे, और जायरोस्कोप जो है वो आपका रोटेशन वगैरह मेजर करता है। ये दोनों 3D स्पेस में होते हैं, XYZ एक्सिस में। इसका मतलब ये है कि आप कैसे मूव हो रहे हो 3D स्पेस में हम जान सकते हैं। आपके फोन में भी इनफैक्ट एक काइंड ऑफ INS है बोल सकते हो। आप कोई भी सेंसर वाला ऐप डाउनलोड कर लो अपने स्टोर से, उसमें फिर एक्सेलेरोमीटर खोलो, आप देख सकते हो मेरे फोन का यहाँ एक्सेलेरोमीटर XYZ एक्सिस पे मेजर कर सकते हैं 3 एक्सिस में। तो मैं अगर फोन अपने X एक्सिस में हिलाऊं तो आप देखोगे वो ग्राफ चेंज होता है। सिमिलरली Y और Z में मूव करूं तो उसके वैल्यूज चेंज होते हैं उस एक्सिस में। सिमिलरली अगर मैं जायरोस्कोप को भी अलग अलग एक्सिस में रोटेट करूं तो मैं उसका रोटेशन डिटेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है किसी लोकेशन का और आपके पास मैप है तो आप बस INS पे रिलाय होके नेविगेट कर सकते हो। आपको GPS वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है राइट आप 3D स्पेस में कहां मूव कर रहे हो आपके एक्सेलरेशन और रोटेशन की वजह से। बस ये है कि आपका INS बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, और ये सब रॉकेट्स में होता है। ये मतलब गंदा एक्यूरेट है, मतलब गजब एक्यूरेट है ये सिस्टम। मेरे को अभी भी सोच के ये लगता है कि मैथ और इंजीनियरिंग इतना प्रिसाइज हो चुका है कि हम ये सब मास प्रोड्यूस कर सकते हैं INS सिस्टम। इनफैक्ट सबमरीन्स वगैरह उनको अंडर सी जब जाते हैं वो, तो उनको तो GPS नाविक सिग्नल्स नहीं मिलते हैं ना, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर सकता वो सिग्नल पानी को। तो वो सब एक बार अपना बेस लोकेशन लेके INS और ऑफ कोर्स दूसरे सिस्टम जैसे सोनोग्राफ्स वगैरह और मैप्स वगैरह लेके नेविगेट करते हैं। आई एम श्योर आप में से काफी लोग फैसिनेटेड है कि ये INS के बारे में और जानने के लिए। तो ये फ्लाई बाय MX का एक वीडियो है काफी खूबसूरत, तो आप वो देख सकते हो, और बॉटम लेफ्ट में जो नंबर आ रहा है वो रिफर कर लो डिस्क्रिप्शन में। अब देखो यूजुअली INS सिस्टम में डैम्पिंग कुछ ना कुछ होता है, पर इसमें वो भी एक्सीड कर लिया। तो अब क्या हुआ, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है इसरो रॉकेट फेल सैटेलाइट्स फॉल इन ओशन, तो उसमें मैंने एक चीज कही थी FDI यानी फेलियर डिटेक्शन एंड आइसोलेशन। बेसिकली अगर आपका कोई सेंसर मैल फंक्शन कर रहा है, काफी टाइम डुअल ट्रिपल सेंसर्स होते हैं रिडंडेंसी के लिए, तो आपके FDI सिस्टम उसे उसका रोल है कि उसे डिटेक्ट करे कि पहले तो ये फेल हो रहा है और सेकेंडली उसे आइसोलेट करे सिस्टम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक सेंसर फेल हो और वो सबको ले डूबे साथ में। तो ये सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब ये वाइब्रेशन इवेंट या शॉक इवेंट हुआ, तब हुआ INS सैचुरेट हो गया क्योंकि वो बहुत हिला। अभी आप में से कुछ लोग ये भी क्यूरियस होंगे कि रॉकेट को कैसे पता INS मेल फंक्शन कर रहा है। INS मेल फंक्शन इज मेल फंक्शन ना, INS की वैल्यूज इज वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है वो। देखो INS के साथ एक और चीज इसरो ने डाली है, वो है नाविक
नाविक रिसीवर। तो INS क्या करता है, INS के जो भी वैल्यूज है वो क्लोज होने चाहिए नाविक के वैल्यूज से, तो उससे एरर रेट हमें पता चलता है, उससे एरर हम करेक्ट कर सकते हैं और उससे ये भी पता लग सकता है कि INS कुछ मस्ती कर रहा है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा फेलियर डिटेक्शन वाला पार्ट। तो FDI ने क्या किया, FDI ने देखा कि ये INS तो भाई कुछ और ही कर रहा है, तो उसने INS को सिस्टम से निकाल दिया, उसको सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया। इसरो ने 2 सेकंड का लिमिट कॉन्फिगर किया, मतलब 2 सेकंड तक अगर मेल फंक्शन कर रहा है तो उसको निकाल दो। अभी आप प्रॉब्लम देख रहे हो इसका, अब रॉकेट को पता ही नहीं वो 3D स्पेस में कहाँ है, अब रॉकेट क्लूलेस है वो कहाँ है, अभी क्या होगा। अभी ये जब सेकंड स्टेज फायरिंग के टाइम इवेंट हुआ, INS ऑफलाइन चला गया, तो रॉकेट ने स्विच किया सेल्वेज मोड पे। सेल्वेज मोड क्या है, सेल्वेज मोड वो मोड होता है कि जब आपका ऐसा कोई फेलियर होता है तो आप कैसे सेल्वेज करोगे मिशन को, यानी कैसे सेव करोगे मिशन को। इसरो ने सेल्वेज मोड में कॉन्फिगर किया था ओपन लूप गाइडेंस। अभी ये थोड़ा समझते हैं, बेसिकली 2 काइंड ऑफ मेन गाइडेंस है हमारे पास, एक है ओपन लूप गाइडेंस, एक है क्लोज लूप गाइडेंस। ओपन लूप गाइडेंस मतलब आप समझो हार्ड कोड करना, मतलब आपको बाकी फैक्टर्स की पड़ी नहीं है, आपको कार को एक से दूसरे लोकेशन पे जाना है, आप उसे बोल दोगे कि 1 मिनट पे लेफ्ट ले, दूसरे मिनट पे राइट ले, 3rd मिनट पे एक्सेलरेट ज्यादा कर, 4th मिनट पे यूटर्न ले, ऐसा आप हार्ड कोड कर दोगे रॉकेट के वैल्यूज कि यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है। ये मोस्टली टाइम बेस्ड होता है, पर हमें इसरो ने कैसे इंप्लीमेंट किया ओपन लूप गाइडेंस किस बेसिस पे वो नहीं पता। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब जो रॉकेट को कहा गया था कि इस टाइम पे ये करना है वो करना है, वो रॉकेट ने किया। अब उसे ये नहीं पता उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कहाँ है स्पेस में, उसे कुछ भी नहीं पता, वो ब्लैंक है, वो बस वो कर रहा है जो उसके ओपन लूप गाइडेंस में उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप बोलोगे कि ये डेंजरस है, नहीं एक्चुअली ओपन लूप गाइडेंस काफी कॉमन है, स्पेशली फर्स्ट स्टेजेस में इस्तेमाल होता है जब रॉकेट बाहर जा रहा है एटमोसफेयर के, मेनली क्योंकि ये सिंपल है इंप्लीमेंट करना। इसरो का अगर आप देखो तो PSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 फर्स्ट स्टेज जो होता है वो सब ओपन लूप गाइडेंस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेजेस के सॉलिड रॉकेट्स वगैरह है उनका परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तरह इसरो को बताया कि उन्हें बताया कोई डिविएट नहीं होगा परफॉर्मेंस। ओपन लूप गाइडेंस का प्रॉब्लम तब आएगा अगर आपका इंजन सडनली लो थ्रस्ट देने लगा, क्योंकि अकाउंट ही नहीं करेगा, रॉकेट को पड़ी नहीं है, रॉकेट वो करेगा जो उसको ओपन लूप ने बोला है। तो ये काफी अच्छा है ओपन लूप गाइडेंस जब आपको एक्सट्रीम एक्यूरेसी नहीं चाहिए बट डिसेंट एक्यूरेसी चाहिए, तो जब आपका फर्स्ट स्टेज उड़ रहा है एटमॉस्फेयर से बाहर तो तब ओपन लूप काफी कॉमन यूज करना। पर एटमॉस्फेयर के बाहर निकलते ही जब आप फाइनल ऑर्बिट इंसर्शन के क्लोज पहुंच रहे हो तभी आपको एक्सट्रीम एक्यूरेसी चाहिए आपके ऑर्बिट डिप्लॉयमेंट में, तब काम आता है क्लोज लूप गाइडेंस। क्लोज लूप गाइडेंस में बेसिकली आपके रॉकेट के जो आउटपुट है यानी परफॉर्मेंस और उसका जो लोकेशन INS के वैल्यूज ये सब इनपुट लिए जाते हैं, तो अगर आपका सपोज इंजन कम परफॉर्म करने लगा या ज्यादा परफॉर्म करने लगा तो रॉकेट का कंप्यूटर अकॉर्डिंगली उसका ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करेगा और एडजस्ट करेगा ताकि फाइनल प्रिसीजन मेंटेन रहे ऑर्बिट डिप्लॉयमेंट के लिए। ये एक्चुअली काफी स्मार्ट है। तो अगर आप मिशन कंट्रोल इसरो का अगर लॉन्च देखो तो मिशन कंट्रोल में सुनाई देगा आपको PSLV के केस में वगैरह कि क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएटेड। स्टेज हैज अ नॉमिनल बर्न ड्यूरेशन ऑफ 200 सेकंड्स। रीलोड बेयरिंग सेपरेटेड। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। और आपके जो फ्लाइट के ऊपर स्क्रीन है उसमें भी फ्लाइट इवेंट्स में दिखेगा मोस्टली फर्स्ट स्टेज के बाद क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएट किया जाता है CLG INIT दिखेगा आपको। तो SSLV के केस में इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट स्टेज ओपन लूप में होता है और सेपरेशन के आसपास वो क्लोज लूप में स्विच करते हैं। अभी वापस आते हैं FDI के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो जब FDI ने डिटेक्ट किया INS की लगी पड़ी है, FDI ने INS को आइसोलेट कर दिया, रॉकेट चला गया ओपन लूप में इंस्टेड ऑफ क्लोज लूप। तो इसलिए हमें ये वियर्ड बिहेवियर दिखा कि थर्ड स्टेज को उसने सेपरेट कर लिया टाइम पे और उसने सैटेलाइट को सेपरेट कर दी क्योंकि सैटेलाइट सेपरेशन का टाइमिंग तब तक आ गया था। तो अभी आते हैं हम सोल्यूशन के ऊपर। तो SSLV D2 मिशन में कैसे फिक्स किया और क्या फिक्स किया, इसरो ने मेंशन किया कि उन्होंने 5 स्टेप्स लिए थे। 5 स्टेप। सबसे पहला तो उन्होंने अपना सेपरेशन सिस्टम चेंज किया एक एक्सपांडिंग बेलो से एक मार्मन बैंड सिस्टम में। अब इसरो ने मार्मन बैंड सिस्टम जो है वो PSLV वगैरह में यूज होता है, वो एक बेसिकली एक बैंड है जो ओपन अप होता है और बोथ स्टेजेस को सेपरेट करता है। सेकंड उन्होंने चेंज किया वो है FDI लॉजिक जो मैं FDI एक्सप्लेन कर रहा था। देखो INS का जो गड़बड़ हुआ SSLV के केस सेपरेशन के टाइम वो कुछ ही टाइम के लिए था, मतलब वो एक ट्रांजिएंट इवेंट था, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए INS प्रॉब्लम में था फिर वो नॉर्मल हो गया। पर FDI का लॉजिक कैसा था, FDI का लॉजिक था कि एक बार गड़बड़ है तो उसे निकाल ही दो सिस्टम से। तो इसरो ने एक नया लॉजिक इंप्लीमेंट किया जिसमें थोड़ी देर के बाद वो फिर से चेक करेगा कि INS काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है तो वापस उसे ऑनलाइन लाएगा। तो ट्रांजिएंट इवेंट्स को हैंडल किया है जो काफी कूल है, उसे परमानेंट
फंडामेंटली नहीं निकल रहा है सिस्टम। थर्डली जो इक्विपमेंट बे है उसमें और थोड़ा स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स किए ताकि वो वाइब्रेशंस वगैरह ज्यादा बेटर सहन कर सके। फोर्थ इंप्रूवमेंट था, अगर सपोज INS नहीं है, INS खत्म हो गया, तो नाविक को वो एस गाइडेंस इनपुट लेगा और क्लोज लूप मेंटेन करेगा, वो डायरेक्टली ओपन लूप में नहीं जाएगा, नाविक के वैल्यूज एस क्लोज लूप में लेगा वो। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को जब मैंने नाविक है वो एक्सप्लेन किया था तो आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि नाविक क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वो लॉजिक लिखा ही नहीं था। तो आई एम श्योर ये लॉजिक सिंपल नहीं होगा लिखने के लिए क्योंकि डिले होगा नाविक सैटेलाइट्स और रॉकेट के बीच में, तो सिंपल नहीं होगा ये इंप्लीमेंट करना, पर इसरो ने किया है अभी एज बैकअप। फिफ्थ है, अगर INS भी डूब गया, नाविक भी डूब गया, दोनों के वैल्यूज वैक है, तो उस केस में VTM में भी ओपन लूप गाइडेंस लिखा जाएगा। अब ये स्टेटमेंट से मैं श्योर नहीं हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि VTM के लिए लिखा ही नहीं था ओपन लूप, बस स्टेज 3 तक ओपन लूप गाइडेंस का एल्गोरिथम लिखा था, तो पता नहीं। एनीवेज एक और चीज मेंशन करना था, ट्रांसपेरेंसी के लिए अप्रिसिएशन इसरो का। हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि इसरो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल, काफी टाइम के बाद अच्छा लगा ऐसे डिटेल्ड FEC रिपोर्ट देख के। तो हाँ, और अगर आप थोड़े फाइनेंशियली वेल टू डू हो, अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो, मेंबरशिप ले लो, डिस्कॉर्ड सर्वर का एक्सेस मिलेगा, हर महीने वॉलपेपर्स मिलेंगे जो मैं खुद बनाता हूँ, और अगर आपको UPI वगैरह चाहिए, थोड़ा सस्ता चाहिए, तो बाय मी अ कॉफी का लिंक भी है वहाँ पे, वहाँ से भी आप कर सकते हो, पर वहाँ मेंबरशिप ऑप्शन इस्तेमाल करना, बाय मी अ बुक का मत करना क्योंकि मेंबरशिप ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, तो वो करना डिस्कॉर्ड वगैरह। तो हाँ, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू मेंबर्स मनोहरन, कार्तिकेय देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, आकाश पाटिल, नमित नंबियार, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल भारत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, निशान प्रजापति, शौनक पेरनी और निसर्ग मानगढ़।